देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना में नई भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। वहीं इस योजना के विरोध में सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने भी विरोध प्रदर्शन किया और इस योजना को गलत ठहराते हुए धरना दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। वहीं इनकी प्रमुख 6 मांगे हैं, जिनमें अग्निपथ योजना को बदलकर सही किया जाना बताया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष यार मोहम्मद ने बताया कि अग्निपथ को लेकर किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। सरकार जो गलत काम कर रही है उसको रोकने के लिए हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। वही बताया कि इसका 4 साल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। वही बताया गया कि इनकी 4 साल की नौकरी चली पद्धति बनाया है। वो फौजी भाई किसान के ही बेटे हैं। अब ये बताएं वो 4 साल बाद कहाँ जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था की गई है। वही नेता एक बार सांसद विधायक को हो जाते हैं तो डबल डबल पेंशन लेते हैं, लेकिन वही एक फौजी देश की सुरक्षा करता है उसको 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। ये कहाँ की नीत है, क्या ये उचित है? इसके खिलाफ हम लोग फौजियों के साथ हैं, उनके लिए हम लोग अग्निपथ का विरोध किया गया है, जिसका यूनियन पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। यहाँ मुद्दा जो है ये फौजी लोगों का जो अग्निपथ है, इसी के सिलसिले में जो है ये जो किसान मोर्चा है ये आंदोलन कर रहा है, उसके साथ में जो है किसान यूनियन मिल कर के ऐसे जो है कामों को रोकने के लिए, जो गलत काम कर रही है सरकार उसको रोकने के लिए हम लोग जो है SDM महोदय, जिला अधिकारी महोदय को जो है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। इनका जो 4 साल की नौकरी वाली पद्धत बनाए हैं ये ऐसा जो है 4 साल के बाद वो फौजी भाई किसान के ही बेटे हैं, अब ये बताइए 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी? तो अगर जो है ये नेता लोग जो हैं एक सांसद हो जाए एक विधायक हो जाएगा तो डबल डबल पेंशन लेता है और कम से कम एक फौजी जो देश को की रक्षा करता है उसको 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, ये कहाँ की नीति है बताइए, ये उचित है? तो इसके खिलाफ में जो है हम लोग जो है फौजियों के साथ हैं और ये अग्निपथ का जो इनका कानून बनाए हैं तो इसका जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में हम किसान यूनियन हर ज़िले में जो है SDM महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। अगर मांगे अगर नहीं मानी जाती तो सरकार जैसे नहीं मानती है, सरकार तो कह रही है कि हम नहीं मानते। सरकार हमारे से सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। निश्चित है मानेगी सरकार, जब आंदोलन होगा तो मानेगी, क्योंकि ये गलत है और गलत का कोई साथ नहीं देगा, निश्चित है इसका जो है समाधान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।